नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। बिटुमिन को 150 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है और कुल तापमान बाइंडर तापमान से 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। गर्म मिश्रित सामग्री को ट्रांसपोर्टर डंपर वगैरह मिशन से एकत्रित किया जाता है, स्थान पर ले जाया जाता है और 121 से 163 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक यांत्रिक पेवर जो यहाँ पे चल रहा है उसके द्वारा फैलाया जाता है। यदि मिश्रण बिना दरार के स्थिर है तो रोलिंग 140 डिग्री टेम्परेचर तक के हाईएस्ट टेम्परेचर पर शुरू होती है। उच्चतम तापमान की दरारों से बचने के लिए बिना किसी कंपन के टैंडम रोलर के साथ केयरफुल ब्रेकडाउन रोलिंग सुनिश्चित की जाती है और मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने से पहले टैंडम रोलिंग संचालन पूरा हो जाता है। और आप देख रहे हैं ये रोलिंग हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक है, इसलिए यह कम से कम ब्रेकडाउन से रोलिंग संचालन हो रहा है। और मित्रों आप देख रहे हैं ये BM BC फर्स्ट लेयर का काम हो रहा है और इसके बाद DPM सेकंड लेयर का होगा। तो ये 3.5 मीटर की एक साइड का है और 3.5 मीटर दूसरी साइड का है। ये अभी LHS एक साइड LHS साइड चल रहा है और जहाँ पे DPM होना होता है वहाँ पे टेक आउट पहले किया जाता है, उसके बाद में जब काम करना होता है उसके 24 घंटे पहले प्राइम कोट कर दिया जाता है। प्राइम कोट का वीडियो हम अगले पार्ट में देखेंगे और मार्किंग कैसे होती है वो भी बाद में देखेंगे। इसके साथ साथ गाड़ी के नंबर नोट किए जाते हैं जिस गाड़ी से DPM आया होता है। उसके बाद में एक रजिस्टर के अंदर हम उसका टेम्परेचर, रिंग टेम्परेचर और रोलिंग टेम्परेचर नोट करते हैं और साथ ही ये देखा जाता है कि उस गाड़ी के अंदर कितना एम्प्टी माल आया होता है साइट पे और कितने टेम्परेचर के साथ वहाँ पे रिंग हो रही है और कितने टेम्परेचर के साथ में वहाँ पे रोलिंग हो रही है, ये भी ध्यान रखा जाता है। मैं बताना जरूर कि मित्रों वीडियो लगा कैसा। धन्यवाद।